अजमेर किशनगंज थाना प्रभारी के साथ मारपीट करने और बदसुलूकी करने के मामले में पुलिस ने जैसलमेर एसपी भंवर सिंह नाथावत के पुत्र प्रवीण सिंह नाथावत को आखिरकार गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के खिलाफ राजकार्य में बाधा के साथ ही लोक सेवक से मारपीट का मुकदमा दर्ज किया गया था। इसके बाद टीमें गठित कर उसकी तलाश अलग अलग स्थानों पर की गई। इसी बीच अजमेर पुलिस की स्पेशल टीम में रहे जवानों ने इस मामले में रहकर जांच की और उसे पकड़ लिया गया। मामले की जानकारी देते हुए जांच अधिकारी एडिशनल एसपी भंवर रणधीर सिंह ने बताया कि 26 जनवरी को किशनगंज थाना प्रभारी करण सिंह मॉर्निंग वॉक पर गए थे। इसी दौरान पृथ्वीराज नगर इलाके में एक कार में कुछ संदिग्ध दिखाई दिए, जिसके चलते वह उनसे पूछताछ के लिए पहुंचे तो वहां मौजूद एसपी नाथावत के बेटे प्रवीण द्वारा उनसे बदसलूकी की गई। बात मारपीट तक पहुंच गई, जिसके बाद वह अपने साथ मौजूद लड़की के साथ वहां से फरार हो गया। यह मामला हाई प्रोफाइल होने के चलते बात समझाइश तक भी पहुंची और राजीनामा भी करने की बात सामने आई थी, लेकिन इस मामले में 29 जनवरी को आईजी के निर्देश पर मुकदमा दर्ज किया गया और इसमें प्रवीण सिंह की तलाश शुरू की गई। इसी बीच प्रवीण सिंह की पुष्कर में शादी भी आयोजित हो चुकी थी। पुलिस ने आरोपी प्रवीण की तलाश जारी रखी और उसे लोक सेवक के साथ मारपीट करने और राजकार्य में बाधा पहुंचाने के मामले में कोतवाली क्षेत्र में गिरफ्तार कर लिया गया, जिससे इस मामले में पूछताछ के बाद न्यायालय में पेश कर अग्रिम अनुसंधान किया जाएगा। ये 26 जनवरी को किशनगंज जो एसएचओ है करण सिंह जी, वो साइकिल पर गश्त में निकले थे और पृथ्वीराज नगर योजना में एक कोई गाड़ी डाउटफुल नजर आई, उसको उन्होंने पूछताछ की तो उस पर जो कार चालक था उसने इनके साथ में अभद्रता की और इनके साथ मारपीट की और इनकी साइकिल तोड़ दी, इनके ऊपर गाड़ी चढ़ाने का प्रयास किया। ये मुकदमा उन्होंने 29 तारीख को रात को दर्ज करवाया था। इस मुकदमे की तफ्तीश मेरे को दी गई, जिस पे मेरे द्वारा इसमें तफ्तीश करने के बाद मुलजिम प्रवीण सिंह सनोप भंवर सिंह नाथावत और लोहरवाड़ा को इसमें नामजद किया और उसके लिए हमने एक टीम बनाई जिसमें विजय सिंह और 4 कांस्टेबलों की टीम थी, जो बराबर पिछले 6 दिन से इनके रिश्तेदारी में, इनके गांव में, ससुराल में जो भी देरी थी, उसी का परिणाम ये था कि आज जो मनोहर सिंह हेड कांस्टेबल, वो एक महिपाल सिपाही है, वो इस प्रवीण सिंह सुनो भंवर सिंह नाथावत को लेकर आए और उसको आज हमने बात तफ्तीश गिरफ्तार किया है, कल इसको कोर्ट में पेश किया जाएगा। कारण क्या था सर, मारपीट क्यों की गई, ऐसी कौन सी बात होगी जो थाना अधिकारी पर हाथ डाला? वो ये बताया था कि साहब मैं बैठा हुआ था और उस पर मेरे को पूछताछ की और मेरे को थाने में ले जाने लग गए, इस बात पे वो आक्रोशित हो गया और उसने थाना अधिकारी पे हाथ चलाया। क्या उन्होंने शराबी पीने का बोला क्या कि शराबी पी रहे थे? शराब के लिए वो मना कर रहा है, लेकिन बयानों में और तफ्तीश में शराब पीना कोई युवती भी साथ में थी उनके? हाँ, युवती का भी वो कह रहे हैं कि कोई मेरी फ्रेंड थी। जो वाहन था वो वाहन जब्त कर लिया गया, कार थी, इनके रिलेटिव हैं, इनकी जो सिस्टर हैं सर, पुलिस इनके हस्बैंड की इसी बीच सर गाड़ी शादी भी हुई होगी, तो पुलिस ने उस समय ध्यान में दिया जब शादी हुई थी? उस समय तक तफ्तीश कंप्लीट नहीं हो पाई थी और तफ्तीश कंप्लीट होते ही हमने टीम रवाना कर दी और इनको दस्तियाब किया। अभी अपने यहीं से गिरदा दिखाए कोतवाली से सिपाही लेके आए। अब वो सिपाही इसकी रिश्तेदारी से लाना बता रहे हैं कि सब हम लेके आए, तो गिरदारी यहीं से दिखाई गई हमें मेरे ऑफिस से। सर पुलिस अधिकारी का लड़का है, पुलिस अधिकारी के